हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी आजकल पर आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो आप मुझे देखकर समझ तो गए होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी और आटा भी लगा चुकी हूँ मैं। चाय आज सारी सुबह ही हो चुकी थी क्योंकि आज हमें करनी है पूजा। तो पूजा हमें करनी है आज, बधाइयाँ पड़ेंगी और श्यामल भाई की पूजा होगी तो वहाँ पर चांद पर पूजा के लिए जाएंगे लोग। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपना ब्लॉग वैसे ही शुरू कर दूं आप सबको दिखाने के लिए। तो अब मैं करती हूँ अपने खाने की तैयारी और बनेंगे पूड़े। आज मुझे कहीं जाना भी है, देखते हैं प्रोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं वहाँ गई तो मैं आपके साथ वहाँ की वीडियो शेयर करूँगी। और तब तक करते हैं अपना काम और देखते हैं चलने की हम करेंगे तैयारी। फिर मैं बना रही हूँ चाय, आए हैं जीव जी और हस्बैंड दोनों के लिए चाय रेडी कर रही हूँ मैं। तो वो चाय नहीं पीते तो उनके लिए मैं बनाऊँगी दूध और अपने पति देव के लिए बनाऊँगी चाय। चाय पत्ती मैंने इसमें डाल दी है और बनाते हैं जी चाय। चाय के साथ में देख लेती हूँ कि आलू मेरे उबले है या नहीं। आलू भी उबल चुके हैं। कैसा लगता है तो किचन के अंदर ऐसे मौसम में? अच्छा लगता है, मस्त, बिल्कुल मस्त। ये भैया आए हैं बाग से आम लेकर डाल के, ताजा ताजा आम। और ये अपनी पेटियों को उतार रहे हैं अपनी बाइक से, लेकिन अभी उतार नहीं पा रहे हैं। देखिए आप खाना भी ऐसे भी लग रहे हैं। मुझे बाहर जाना था लेकिन मेरा पोस्टपोन हो गया और आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो मैं आज अपने बेटी के बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज छोले, और छोले चढ़ा देती हूँ। छोले चढ़ाने के बाद में मैं प्रिपरेशन करूँगी दूसरी सब्जी की और छोले बनाऊंगी। और छोले के साथ मुझे बनानी है पूड़ी। और फिर मिलेंगे आपसे और मैं खाने की तैयारी करती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं छोले और मैं अब आटा लगाऊंगी पूड़ी वाला और करते हैं खाने की तैयारी। मैंने कुकर में छोले चढ़ा दिए हैं और मैं इसमें डालूंगी एक चुटकी अजवाइन और थोड़े से डालूंगी तेज पत्ते और कुछ डालूंगी मैं इसमें खड़े मसाले और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें सोडा जिससे कि ये अच्छे से बैसी हो जाए। सब्जियाँ वगैरह आप बना रही हूँ, मैं जरा पूड़ियाँ बना रही हूँ अपनी। सब्जी में मैंने बनाया छोले। मम्मा बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, सीरियसली अच्छे बने हैं ना? बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अभी टेस्ट नहीं किए बट स्मेल से बहुत अच्छे लग रहे हैं। लक्ष्य भाई यहाँ पे रायता बना चुके हैं। इनके हाथ के खाने का स्वाद ही अलग होता है और ये अपना हाथ किसी भी चीज़ में लगा दें, चाहे वो रायता ही क्यों ना हो, वो चीज़ मतलब उसमें स्वाद पता नहीं कहाँ से ओरिजिनेट हो जाता है। क्यों लक्ष्य भाई, सही बात है? हमारे लक्ष्य भाई फिर से लग चुके हैं एक बार काम पे। फिर से वो लग रहे हैं मसाला प्याज की प्रिपरेशन में, जो कि अब बना भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नींबू की कमी दिखती हुई इसलिए अब हम कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे लेमन लेकर आ गए हैं, लेने तो गए थे एक और ले आए आराम से, हाथ में पांच आए थे पांच। और लक्ष्य ने मेरे को एक चखाई, आहा स्वाद आ गया। दादी के लिए इतना काफी है पहले, फिर और दे दूंगी, फिर वो बचाते हैं, उन्होंने अभी शाम में खाना खाया था। लाओ पूरी दो, गरम गरम पूरी पूरी दो, पूरी बोल रही हूँ। और सैलेड रखेंगे अभी और रायता लगाते हैं। लेके जाओ तुम। अच्छा अभी लेके आता हूँ। मम्मा सबने पूरी ले लिया और वहाँ पे सबका डन हो चुका है। मैं लेकर आ गई हूँ अपना खाना, सब लोग खाना खा चुके हैं तो मैं भी खा लेती हूँ और आप लोग भी खाइए। आइए आप लोग भी खाना खाइए और उसके बाद हम आपको मिलेंगे, केक कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ जी ये दीदी दिखाओ। नमस्ते बेटा, केक खा ले अपना।
छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन हमने किया था अपनी बिटिया के बर्थडे का, तो अब वो ख़त्म कर लिया है हमने और अब हम थोड़ा सा मैं भी थोड़ा केक खा लेती हूँ, आप भी खाइए और बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।